सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू यूज म्यूजिक इन योर वीडियोज। तो म्यूजिक यूज करने के बहुत से अलग अलग लेवल्स होते हैं। नंबर वन होता है बेसिक लेवल, नंबर होता है इंटरमीडिएट लेवल, और नंबर थ्री होता है प्रोफेशनल लेवल। आप ज़्यादातर प्रोफेशनल को ही चूज़ करें, क्योंकि आपकी वीडियो अगर अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, तो ही लोग देखेंगे। म्यूज़िक यूज़ करने से मुराद ये है कि आप लोगों को कॉपीराइट फ्री कहाँ से मिल जाएंगी म्यूज़िक, और आपको वीडियो में म्यूज़िक यूज़ किस तरह करना है। सो बहुत से तरीके हैं वीडियो में म्यूज़िक के यूज़ करने के। अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये तकरीबन 2014-15 में होता था, जब YouTube नया नया ये एशिया कंट्रीज़ में जब आया था YouTube, तो ये चक्कर था कि लोग वीडियोस तो बनाते थे पर उन वीडियोस को बिना साउंड के ना अपलोड कर देते थे। मीन्स ये कि उनकी वीडियो में कोई साउंड नहीं होता था, वो जो बताते थे इन्फॉर्मेटिव बातें होती थी उनकी, या जो भी उनके टैलेंट वगैरह शो करते थे, म्यूज़िक यूज़ नहीं करते थे। तो अब का ये सीन है कि आप म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पर नो कॉपीराइट साउंड NCS, और ऑडियो लाइब्रेरी, और चिल हॉप म्यूज़िक, देन एक है व्लॉग नो कॉपीराइट साउंड, आपको नज़र आ गए होंगे तीनों चारों। इन सारों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक ज़रूर करना, क्योंकि इनके म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री होते हैं और बहुत ही कमाल के होते हैं। म्यूज़िक जो ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो को ये इस लेवल से इस लेवल पर ले आती है, क्योंकि बहुत मैटर करता है। जिधर भी म्यूज़िक बोर हो रहा है, मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा आपकी वीडियो और ग्राफ यूँ ऐसा 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 नीचे जा रहा है, उधर आपने अपने ग्राफ को ऊपर चलाने के लिए म्यूज़िक ऐसी जगह पे यूज़ करना जिधर उसका कोई फ़ायदा हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है आपकी वीडियो, चल रही है, अब ऐसा पॉइंट आ गया कि आपने उसको ऊपर चढ़ाना है ग्राफ को, तो उस ग्राफ को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको उधर म्यूज़िक यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपकी ऑडियंस का रिटेंशन नीचे जाने की बजाय ऊपर को जाए। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। किसी की भी वीडियो में से सॉन्ग को इस तरह उठा के आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता नहीं है, शायद पता हो भी और नहीं भी पता, कि इसमें कॉपीराइट डिस्क्लेमर आ जाता है, जो कि किसी को भी आ सकता है। वो 100 सब्सक्राइबर्स के लिए भी है और 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के लिए भी है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि बहुत किस्म के म्यूज़िक होते हैं, नंबर वन सैड, नंबर टू एक्साइटिंग, नंबर थ्री, इस तरह के बहुत से म्यूज़िक होते हैं, पर उनमें से आपने अपनी वीडियो के लिए ऐसा म्यूज़िक चूज़ करना होता है जो कि उस पर सूट करे। हर साउंड को यूज़ करने का एक तरीका होता है। मीन्स आपने कोई सिनेमैटिक्स बनाया है, इधर के मैं आगे दिखाऊंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई नेचर का अबाउट बनाया, उसमें आप म्यूज़िक यूज़ कर दो, कोई मोटिवेशन टाइप का, फुल मतलब भीम डैम डूम जो भी समझ आता है, ठीक है, उस टाइप का हमने म्यूज़िक यूज़ किया है, तो वो कैसी लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ। Amazing athlete, Jim Mannion, AMI. So, ये होता है दोनों में फर्क, खास तौर पे सिनेमैटिक जब आप ले रहे हो। कट एक ऐसी चीज़ है जो वीडियो का ना प्रोफेशनल टाइप लुक दे देता है। बीट के ऊपर सिंक होना चाहिए कट आपका। मिसाल एक सीन से आप दूसरे सीन पे गए हैं, उसमें बेस के ऊपर आपका कट होएगा, तो वीडियो में लुक ज़रा प्रोफेशनल वाली आएगी, प्रोफेशनल वाली। और चार वेबसाइट बता दी, और भी अगर आपके कोई, और ये नहीं है कि आप इन वेबसाइट से ही ले सकते हो, एक और वेबसाइट है एपिडेमिक साउंड, नज़र आ रही है एपिडेमिक साउंड, आप उस पर जाएँ। अगर आप उस पर सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पर जाएँ, उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो जाएँ, उस पर बहुत सारे बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स हैं, तो वो आपकी वीडियोस पे ज़रूर शूट करेंगे और वो बहुत कमाल के हैं। और ये बिल्कुल भी ना समझना कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको म्यूज़िक का सही पूरा नॉलेज हो गया, नॉलेज तो नहीं हुआ होगा, खैर थोड़ा बेसिक पता लग गया होगा, क्योंकि मुझे भी बेसिक्स पता है, म्यूज़िक का फुल नॉलेज नहीं है मुझे भी। अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये जो है सिनेमैटिक सीन्स ये किस तरह लिए जाते हैं, और क्या मतलब कि मैं मोबाइल से करता हूँ, मेरे पास आईफोन है, इसमें एक ये बेनिफिट है मुझे कि इसमें मुझे स्लोमो मिल जाता है, तो मैं अलग अलग स्लोमो शॉट्स लेता हूँ कुछ, उनको ना स्लोमो को भी एडिट करने का एक इसमें फीचर है, वो ये है कि आप वीडियो को किसी भी जगह पर आके स्लोमो कर सकते हो, तो उस स्लोमो सीन्स का मुझे ये बेनिफिट होता है कि मैं उसको ट्रिम करके किसी जगह पर जिधर भी मुझे चाहिए हो कि मैं उसको उस जगह पर मैंने स्लोमो करना है, कोई स्पेसिफिक प्लेस रखता हूँ उस वीडियो की, इधर आके स्लोमो हो तो मज़ा आएगा,
तो उसको मैं उधर जाके स्लोमो कर देता हूँ, ट्रिम करके ना, तो स्लोमो करता हूँ। ये आईफोन में है चेक, जिनके पास आईफोन हैं उनको ये पता होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में इस तरह फन के साथ मैड लव, प्लीज़।